गुड इवनिंग, इट्स मी सुधा। हम पढ़ रहे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बारे में थोड़ा सा जाना था कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, उसको मनोविज्ञान के साथ जोड़ने का श्रेय, शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ लाने का श्रेय किसको जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का रोल क्या है साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी में रोल क्या है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं, मेन मेन परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं हमने कल भी डिस्कस करी थी, आज हम एक देख लेते हैं स्किनर की। स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। अध्ययन है, ठीक है। दूसरी परिभाषा हम ले लेते हैं। इसके उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। शैक्षिक परिस्थितियों में किस तरह से मानव व्यवहार करता है उसी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा है क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो की क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। अब एक परिभाषा हम और देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जेम्स ड्रेबर की। किसकी? जेम्स ड्रेबर की, ठीक है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा जो उसकी खोजें हैं, खोजों के प्रयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं के, समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है।
इस तरह से हम ये तीनों परिभाषाएं देते हैं। तीनों परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर कहते हैं क्या है, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। ठीक उसी के साथ ही जेम्स क्रो एंड क्रो ने कहा कि वह मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसकी अनुभवों के का वर्णन करता है, या उसके अनुभवों को जो उसके सीखने का अनुभव है कि किस तरह से वो सीखता है, कैसे सीखता है, उसका वर्णन करता है। और इसके साथ ही जेम्स ड्रेबर ने कहा कि मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उसके नियम हैं, उनके खोजों का वर्णन करता है, उनकी व्याख्या करता है, और उनके जो समस्याएं आती हैं उनका शोधों के माध्यम से हल भी निकालता है। ठीक है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसके क्षेत्र बताती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है अब आजकल बहुत व्यापक हो चुका है, हमारी लाइफ की हर फील्ड में पहुंच चुका है। जैसे बच्चे की सारी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, इन सारी समस्याओं का हल शिक्षा मनोविज्ञान के पास है। तो इस तरह से हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, पहला क्षेत्र क्या है, मैं क्षेत्र सारे लिख देती हूँ, फिर एक एक करके आपके साथ इसको मैं विस्तारित बताती जाऊंगी। क्या है पहला, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम यानी यानी कि क्या हो गया, हेरिडिटी, हेरिडिटी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा आपका हो गया हमने ये सारी बातें इसको रोल में करी थी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चौथा आपका हो गया व्यक्तित्व, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है, क्या है, पर्सनालिटी। ठीक, नेक्स्ट आपका है विशिष्ट बालक, इसको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं या एक्सेप्शनल चाइल्ड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है अधिगम प्रक्रिया, जो कि इसकी महत्वपूर्ण फील्ड है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बिना कोई भी, सॉरी, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आपका आता है आपका, जब तक मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो गया जो शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो गया अनुसंधान यानी कि रिसर्च। नेक्स्ट हमारा हो गया किशोरावस्था।
यानी कि एडॉल ठीक, एडोलसेंस हो गया। अब हम थोड़ा आपको ये समझाते हुए चलते हैं कि क्या है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग जान ही चुके हैं कि क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का रोल, साइकोलॉजी का क्या रोल है शिक्षा में, ये भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं इसका क्षेत्र क्या क्या है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हेरिडिटी में शिक्षा मनोविज्ञान का रोल क्या है कि बच्चे का व्यवहार क्या जो है, कैसा है, क्यों है, किस तरह के, जैसे उसके माता पिता कई बार होता है पढ़ने में बहुत तेज थे तो बच्चा, नो डाउट बच्चा भी बहुत तेज होगा, ये उसकी हेरिडिटी में आ जाता है। तो इस तरह के अध्ययन वंशानुक्रम में करता है कि उसके वंश पूर्व पीढ़ी में कैसा हुआ है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो प्रयोगों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि उसका शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसका विकास होगा। अब हम विकास की बात बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। विकास का इस तरह से महत्वपूर्ण रोल है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत वो सीखता ही रहता है और जीवन पर्यंत ही उसके विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो वो किस एज में क्या सीख पाएगा, और उसके जैसे 0 से 3 साल तक वो घर पे ही रहेगा, या 3 साल से फिर 6 साल तक वह स्कूल जाएगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, प्ले ग्रुप में जाएगा, तब वह सीख पाएगा। इस तरह से किस तरह से उसका विकास होता जा रहा है और किस तरह के एजुकेशन की, किस तरह की परिस्थितियों की उसकी आवश्यकता है, ये सारी सुविधाएं जो है वो सारी फैसिलिटी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही मिल सकती है। तीसरा हम ले लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसा हमने रोल में भी पढ़ा था कि व्यक्तिगत, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताओं को लेकर वो साथ चलता है। हर कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति, एक दो व्यक्तित्व तो एक तरह के नहीं हो सकते, वो जरूर कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होंगे। तो हर उनके जो उनका उनकी पर्सनैलिटी है, उनको डिफरेंशिएट करना, उनके किस तरह की पर्सनैलिटी को किस चीज़ तरह के, तरह के एजुकेशन की जरूरत है, किस तरह की परिस्थितियों की जरूरत है, या किस तरह के माहौल की जरूरत है, या एजुकेशनल साइकोलॉजी के अध्ययन के माध्यम से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। जैसी जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, जैसे कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं सीख पाते चीज़ों, बहुत जल्दी घुल ही नहीं मिल नहीं पाते टीचर से, तो सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में भी बाधा डालता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो एक्सट्रोवर्ट होने पे वो बहुत ज़्यादा चहलकदमी, उधम मचाते हैं और बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, दो दूसरों की चीज़ों को भी अपना मान के सीखने लगते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं तो मतलब इस तरह के व्यक्तित्व के साथ जब टीचर को इसके बारे में जानकारी होगी तभी वह शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उनमें कुछ जरूर, कुछ ना कुछ जरूर खूबियां होती हैं, और उन खूबियों के साथ उनकी कमियों को ना देखते हुए जो उनकी खूबियां हैं उन खूबियों को हम पकड़ कर इस माध्यम से सिखाएं कि उनकी जो खूबियां हैं वो और भी ज्यादा बाहर आ जाए। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उनमें कुछ, जैसे कहा जाता है सिक्स सेंस होता है, तो उसकी उनकी अगर एक कुछ कमी हो गई, मान लिया वो विजुअल है या MR है या HIV में से कुछ है, या अर्थ, कुछ ऐसे चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कुछ खूबियां भी होती हैं, उन खूबियों का पता लगाकर उसके माध्यम से उनको एजुकेशन प्रदान की जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण रोल इस तरह से है कि अधिगम प्रक्रिया किस किस बच्चे की किस तरह से चल रही है और किस तरह से चलाई जाए कि वो अच्छे तरह से समझ जाए, अच्छे तरह से समझ जाए, उसको अच्छे तरह से अपने व्यवहार में ला पाए और अच्छी तरह से वो दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। तो ये अधिगम प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए लर्निंग में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है, और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इसलिए यहाँ तक भी आता है। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम। अच्छा, हमने जब बच्चे को जान लिया, उसकी परिस्थिति को जान लिया, तो उसका पाठ्यक्रम उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम बनेगा। पता चला कि बच्चा किसी और मीडियम से सीखना चाह रहा है, उसका क्यूरिकुलम किसी और तरह का बना हो, इसलिए क्यूरिकुलम के फील्ड में ही पाठ्यक्रम बनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है कि
किस एज के बच्चे को कैसा पाठ्यक्रम दिया जाए कि वो आसानी से पढ़ ले जाए और उसके समझ में आ जाए, सुगम हो उसके लिए शिक्षण प्रक्रिया, सुग्राह्य हो कि आसानी से ग्रहण कर ले, अच्छे से वो इम्प्लॉय कर ले, अच्छे से दूसरों को समझा ले, अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति कर ले। तो इस तरह से पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इस तरह से आया हुआ है कि बच्चे का जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वह कुछ चीजें समझ पाएगा, तभी वह अपनी मेंटल कंडीशन बना सकेगा कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। जब तक वो मानसिक रूप से तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए तब तक वो कोई भी चीज़ समझ नहीं सकता है। कोई भी आप पाठ्यक्रम समझा रहे हैं, कोई भी आप चैप्टर बता रहे हैं, कोई भी कहानी भी सुना रहे हैं, कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, अगर वो मन से तैयार नहीं होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा, तो वो समझने में सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, बच्चे को किस तरह की टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए कि वो अच्छी तरह से सीख ले, तो टीचिंग मेथड में भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र टीचिंग मेथड तक भी आता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए और कौन सा मेथड कब नहीं यूज करना है। अनुसंधान की बात करें अगर हम, तो अनुसंधान तक शिक्षा मनोविज्ञान बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, क्योंकि अनुसंधान के माध्यम से ही उसकी रुचियों का, उसकी योग्यताओं का, उसके विचारों का पता लगता है। अनुसंधान जिस तरह के हर फील्ड में, उसके टीचिंग मेथड में बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, शिक्षण पद्धतियाँ कौन सी लाई जाएँ और टेक्निक्स कैसी यूज़ की जाए, इस तरह अनुसंधान के माध्यम से ही यह सिद्ध प्रूव किया गया है कि किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि लर्नर बहुत आसानी से सीख सके। अब आप बात आती है किशोरावस्था की। हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट में सारी एज आ जाती है, लेकिन किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोरावस्था का अध्ययन इसलिए किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में कि किशोरावस्था ही एक उज्जवल भविष्य की नींव डालता है। किशोरावस्था में मन में बहुत सारे विचारों में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मन में बहुत सारे उद्वेग जागते हैं, बहुत तरह की का विचलन उत्पन्न होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता है, उसको कई बार होता है अपने लोग ही पराए लगने लगते हैं, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और ये समझ में आता है कि हाँ सब मेरे दुश्मन है, मैं ही अच्छे से चलना चाहता हूँ। किशोरावस्था में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों की इस मानसिक परिस्थिति को समझकर उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करता है, उनको गाइडेंस देता है, उनको किस इस तरह के सुविधा मुहैया कराता है कि वो माहौल उनके अनुसार बन जाए और वो उनके मन में इस तरह के भावना उत्पन्न हो। एक हमारा फील्ड और आता है, हम 12वीं फील्ड लेते हैं, निर्देशन एवं परामर्श। क्या? निर्देशन व परामर्श। जब इस तरह की परिस्थितियां किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में बच्चों में उत्पन्न होती हैं तो उनको निर्देशन व परामर्श की जरूरत होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसकी यह सुविधा भी मुहैया कराता है कि बच्चों को गाइडेंस दिया जाए कि वो किस फील्ड में जाएं, उनके साथ उनको कैसी एजुकेशन चाहिए, उनकी अब वृत्तियाँ कैसी हैं, उनकी रुचियाँ किस फील्ड में हैं, ये सब जो सुविधाएँ हैं वो प्रोवाइड कराता है और इसके साथ ही उनके जीवन को सरल व सुचारू रूप से चलने योग्य बनाता है और उनका भविष्य उज्जवल करता है। इस तरह से हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का फील्ड बहुत व्यापक हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान की। तब तक के लिए धन्यवाद।